हेलो, मैं सब डॉक्टर संतोष फ्रॉम न्यू रूट हेयर क्लिनिक कोलकाता। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैन वी यूज द बॉडी हेयर फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। सो इन दिस टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट। हमें डोनर एरिया पता होता है, लाइक फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प और वी कैन टेक इट फ्रॉम द बियर्ड। बट द बैक ऑफ द स्कैल्प छोड़कर बाकी सारा जो डोनर एरिया है, जैसे बियर्ड हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, प्यूबिक एरिया हो गया, राइट, दीज आर कॉल्ड बॉडी हेयर। एंड इफ यू यूज दिस हेयर फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, सच ट्रांसप्लांटेशन इज कॉल्ड बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। सो इज इट रियली अ सेफ मेथड फॉर यूजिंग द डोनर एरिया फ्रॉम द बॉडी हेयर, ये हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड इफेक्टिव मेथड फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इफ यू डू इट इन अ करेक्ट वे। दैट्स हाउ इट वर्क, सो दैट यू हैव टू टेक द ग्राफ्ट ऑन द बॉडी हेयर एंड देन रीलोकेट इन टू द स्कैल्प, दैट इज द रेसिपिएंट एरिया, एंड देन ओनली इट विल बी अ सक्सेसफुल। सो व्हाट आर द डोनर एरिया, कहाँ कहाँ से हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, रादर देन योर स्कैल्प, और भी जो एरिया है जहाँ से हम लोग डोनर एरिया या हेयर लेते हैं। एक होता है बियर्ड से, ओके, चेस्ट, आर्म, लेग्स। सो दिस हेयर एक्चुअली दे आर फॉर एडिशनल कवरेज एरिया। इफ समबडी इज लूजिंग मोर हेयर ऑफ द ग्रेड ऑफ बाल्डनेस इज सीवियर, लाइक ग्रेड 7, एंड देर इज अ एग्जिस्टिंग डोनर एरिया जिनका बहुत कम होता है, ऐसे इसमें हम लोग उसको एडिशनल ग्राफ्ट करके यूज कर सकते हैं। सो द बेस्ट मेथड, द FUE, दैट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन की वजह से ये सारा सिंपल हो चुका है। बिकॉज इन FUT यू कैन नॉट रियली टेक द बॉडी हेयर्स, बिकॉज इन FUE यू कैन जस्ट चेरी पिक अप वन एंड ओनली वन ग्राफ्ट एट अ सिंगल टाइम। ऐसे हम लोग बहुत सारे ग्राफ्ट ले सकते हैं चेस्ट से और कोई भी बॉडी पार्ट से हम लोग। सो FUE इज द मेथड विच मेक इट पॉसिबल टू टेक द बॉडी हेयर फॉर द ट्रांसप्लांट। सो this body hair transplant is a savior, you can say the savior, or it's a hope for the patient who are having the extreme grade of baldness with the less or no hair reserve on the back of the scalp, you can say in a grade 5 or grade 7. So the donor area is like beard, chest, arms, legs, genitals, armpit. Okay, so if you see the hair of your arms and legs, they are very light and they are very fluffy. So you cannot use them for the whole denser look because they are very light and fluffy. So if you see the hair from the body hair, that is the body hair transplant which is VGC, they are having the different growth cycle. उनके structure थोड़े different होते हैं, उनकी growth cycle different होती है। जैसे आप देखोगे तो beard और pubic hair, इनका जो resting phase होता है hair का, वो बहुत लंबा होता है। There is a लॉन्ग रेस्टिंग फेज ऑफ द बियर्ड एंड द प्यूबिक हेयर। जैसे हम लोग स्कैल्प का अगर देखेंगे तो स्कैल्प में हमारे 80% ऑफ द हेयर के थे ग्रोथ साइकिल में रहते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग हमारे प्यूबिक हेयर देखते हैं, बियर्ड्स के हैं, दे आर इन द लॉन्ग रेस्टिंग फेज। नाउ वी विल सी द बियर्ड। सो इफ यू टेक द ग्राफ्ट और डोनर एरिया इज अ बियर्ड, द बियर्ड ग्राफ्ट, दे आर वेरी थिक, दे आर स्टिफ एंड रिजिड, ओके। सो you can extract approximately 1000 and approximately near to the 1000. We cannot use this thick, stiff and rigid hair for over the frontal hairline. So what is the best place jahan hum log beard ka use kar sakte hain? Middle ya hum log crown mein isko use kar sakte hain, because the nature of the hair, kaise hai hamare beard ke hair thick hote hain, stiff hai, rigid hai, aur stiff rigid leke to hum log hairline nahi bana sakte, but यहाँ पर हम आर्म्स के, लेग्स के, चेक्स के हेयर ले सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी लाइट एंड फ्लफी, तो हेयर लाइन बनाने के लिए वो बेस्ट है। सो सिलेक्शन ऑफ द हेयर फ्रॉम द बॉडी हेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं चेस्ट पे। यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 300 to 900,000 हेयर फ्रॉम द चेस्ट। इफ यू टॉकिंग अबाउट द चेस्ट, द स्किन ऑफ द चेस्ट इज वेरी लाइक थिन। सो वेन यू एक्सट्रैक्ट द ग्राफ्ट फ्रॉम द चेस्ट, देर आर अ रिस्क ऑफ स्कारिंग, छोटे छोटे माइक्रोस्कार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दो हेयर ऊपर के छोड़ के नीचे से हेयर को लेना है, सो दैट वी कैन कवर दैट माइक्रोस्कार। सो देर इज लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क द क्वेश्चन कि क्या हम लोग सिर्फ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट से ही हम लोग पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक्चुअली इफ यू सी द चेस्ट हेयर,
50% they are in resting phase. Rest of the all are like in resting phase. So if you implant that hair on the scalp, suddenly when they started falling out, तो क्या होगा ना, यहाँ patchy baldness दिखेगा at a time. At a time ही patchy baldness हमको दिखना शुरू हो जाएगा. So this you cannot do it whole of the body hair transplant with the help of whole of the scalp transplant with the help of your body hair. So that's one of the negative thing. You cannot do it wholly. What about the hands and legs? Hands and legs के जब अगर hair दोगे, sentinel hair है, soft है. So where we can use it? We cannot use it in the mid and crown. We have the beard hair, but here they are the best for your hairline. You cannot use it in bulk, but for the hairline correction, they are very perfect hair because they are very soft and they are very sentinel and thin. Now come to the indications. कहाँ कहाँ हम लोग body hair use कर सकते हैं transplant के लिए? एडवांस एग्रेसिव अगर हेयर लॉस हो मोर देन ग्रेड 7, ऐसे जगह हम लोग बॉडी हेयर, बिकॉज क्या हो जाता है ना, डोनर एरिया लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है, ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बढ़ जाता है. सो एरिया जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, जो स्काल्प का बैक साइड है ईयर टू ईयर, और जो हमारा रेसिपेंट एरिया है, सो वो हम लोग पूरा कवरेज नहीं दे सकते. ऐसे एडवांस और एग्रेसिव हेयर लॉस में हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. स्केयरसिटी ऑफ डोनर एरिया वी ऑलरेडी डिस्कस, अगर डोनर एरिया बहुत हल्का हो या बहुत कम हो, ऐसे टाइम में हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. अगर कोई अर्लियर हेयर ट्रांसप्लांट है और जहाँ पर गुड कवरेज एरिया हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 100% कवरेज एरिया नहीं दे पा रहे हैं, ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड है, नाउ वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोनर, ऐसे टाइम पर हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट कर सकते हैं. और यू कैन से वी कैन कम्बाइन द बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट अलॉन्ग विद द नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट, तो हम लोग कम्बाइन करके फुल कवरेज दे सकते हैं. दीज आर काइंड ऑफ सम इंडिकेशन जहाँ हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, इट्स यू कैन से एफ यू वी इज द बेस्ट वे, और इट्स अ रे ऑफ होप, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, जैसे हमें चेस्ट और बैक से अगर हेयर लेने हैं, तो हमें उसको वेट शेव करना है, 4 या 5 दिन पहले हमें वेट शेव करना है. तो हम लोग देख सकते हैं कि जब पेशेंट सर्जरी के दिन आता है, तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि हेयर ग्रोइंग फेज में है या नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वाई इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, हमको शेविंग पहले ही करना बहुत ज़रूरी होता है, 5 to 4 डेज बिफोर. एंड देन वी हैव टू गिव द लोकल एनेस्थेसिया विद द हेल्प ऑफ हॉलो नीडल वेन एवर वी एक्सट्रैक्ट द ग्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ हॉलो नीडल. द केयर शुड बी टेकन, द ग्राफ शुडंट बी गो डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए, एज सुन एज इमीडिएट उसको हम लोगों ने इम्प्लांट करना ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी द रिजल्ट विद इन लाइक 6 month, 9 month or 12 month इनकेस ऑफ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट. कॉमन क्वेश्चन होते हैं, विच इज़ द बेस्ट बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट. यू कैन नॉट से बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का कौन सा, इफ़ यू सी द बियर्ड वन, तो बियर्ड आपका मिड और पोस्टीरियर साइड में अच्छा होता है. अगर आप चेस्ट और हेयर आर्म्स की अगर लेग्स की अगर आप बात करते हो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर लाइन. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर विच इज़ द बेस्ट बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटर. इट्स यू कैन नॉट लाइक दैट. सो बियर्ड हेयर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बियर्ड हेयर आप हेयर लाइन में यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं. बियर्ड हेयर मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, यू कैन नॉट यूज़ इन फॉर द हेयर लाइन, यू कैन यूज़ इन द मिड एंड क्राउन पार्ट. इज़ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द सेफ? येस, इज एब्सोल्युटली सेफ. इट शुड बी अंडर द सुपरविजेशन ऑफ द सर्जन. देर शुड बी अ प्रॉपर एजुकेटेड टीम. एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू चूज़ द बेस्ट क्लिनिक वेन एवर यू गो फॉर द एनी काइंड ऑफ द ट्रांसप्लांट. कॉस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली something same almost like the normal hair transplant. Why we need the body hair transplant? The answer is very very simple. If you have the scarce or less donor area, you have to go for the body hair transplant. So in new root, we always go for the step by step. First we use the best donor area, that is on the ear to ear, and then we go for the another body hair transplant. We suggest them which type of donor area is best for which part of the, so or we can say we can add go for the second session along with the beard also. This all depends upon the patient and the experience of the surgeon. So I hope you can understand what is the importance of the body hair transplant, or what are the body hairs which can use in transplant, why because of FUE we can able to do this kind of procedure. So FUE is one of the best method for the body hair transplant.
So that is why we can perform the body hair transplant. So thank you. Thank you so much.